हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नंबर सिक्स की बात करेंगे पहले, ठीक है। नंबर सिक्स, अभी हमने लास्ट जो है नंबर फाइव तक डन कर लिया था। अभी क्या है नंबर सिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो नंबर सिक्स क्या है, नंबर सिक्स हमारा क्या है, शुक्र। नंबर सिक्स क्या है, शुक्र, ठीक है। नंबर सिक्स हो गया हमारा शुक्र, नंबर सिक्स शुक्र। नंबर सिक्स और क्या है, दुनियादारी। नंबर सिक्स क्या है, दुनियादारी। नंबर सिक्स शो योर सेल्फ, शो योर सेल्फ। हम अपने आप को ही तो दिखाते हैं। नंबर सिक्स क्या है, यही है ना, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब आप देख लेना, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 है या 6 है, वो अपने आप को बिल्कुल टिप टॉप रखते हैं, ठीक है। इवन अगर वो रात में सोने भी जाएंगे, बेडशीट एकदम बिल्कुल सही से, एक भी सिलवट ना पड़ी हुई हो, नाइट सूट अच्छा पहन के सोएंगे, ठीक है। गाड़ी, मतलब सारी लग्जूरियस चीज़ें होती हैं। अब कुछ लोग होते हैं, नंबर एट के लोग होते हैं, कि कहीं भी मार्केट जाना तो इतना नहीं सोचेंगे कि कपड़े ऐसे पहनूं या, ठीक है ना। तो इस नंबर सिक्स के लोग बिल्कुल टिप टॉप रहना पसंद करते हैं। ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस, मतलब देखेंगे जरूर कि हाँ कि सही पहना हुआ है, भले ही उन्हें कपड़े दोबारा चेंज करने पड़ जाएं, ठीक है। नंबर सिक्स ब्यूटी, ब्यूटी। नंबर सिक्स डेकोरेशन। नंबर सिक्स लव, केयर। जो सिक्स वाले लोग हैं, ये चीज आप जरूर देखिएगा कि वो बहुत केयर करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स की, सबकी केयर करते हैं। नंबर रोमांस, रोमांटिक होंगे। पार्टी लवर, पार्टी लवर। नंबर सिक्स वाले को पार्टी वार्टी में जाना करना अच्छा लगता है। म्यूजिक लवर, म्यूजिक लवर, घूमना फिरना, है ना, घूमना फिरना। ये सब जो है मैं नंबर सिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। घूमना फिरना, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री। नंबर सिक्स से ज़्यादातर आप देखना फिल्म इंडस्ट्री में नंबर सिक्स के लोग होंगे। नंबर सिक्स मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ या तो सिक्स होगी या 15 होगी, है ना, तो वो क्या है नंबर सिक्स वाले होते हैं फिल्म इंडस्ट्री। नंबर सिक्स लग्जरी, नंबर सिक्स लग्जरी। सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन, ठीक है। चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ वो भी है ना नंबर सिक्स। मेल स्पर्म इज ऑल्सो नंबर सिक्स, मेल स्पर्म इज ऑल्सो नंबर सिक्स। सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, है ना, सेक्सुअल रिलेशन के लिए नंबर सिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी क्या हम इसकी शेप देखेंगे, नंबर सिक्स की शेप कैसी शेप है सिक्स की। ये आया ना एस से, ऐसे हो रहा ना, शोइंग प्रेग्नेंट लेडी, शोइंग प्रेग्नेंट लेडी। सेक्सुअल रिलेशन के लिए नंबर सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिलेशंस के
लिए नंबर सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में नंबर सिक्स की बात हुई। ठीक है ना, अगर जिनको जैसे मीडिया में जाना है, टू और सिक्स उनके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है कि मतलब ले सकते हैं मोबाइल नंबर में। ठीक है, तो ये जो है हमने नंबर सिक्स की बात कैरेक्टरिस्टिक्स लिए। अब हम नंबर सेवन के कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। हाँ जी, तो नंबर सिक्स हो गया, अभी क्या है नंबर सेवन। नंबर सेवन किसका है? केतु, ये तो सभी जानते हैं केतु। ओनली बॉडी नो हेड नो दिमाग, ओनली बॉडी नो हेड नो दिमाग। सात नंबर वाले लोग भी अगर डेट ऑफ बर्थ में भी देखेंगे कंफ्यूज होते हैं, चीजें नहीं, उनके थॉट्स ही क्लियर नहीं होते हैं, उनको समझ ही नहीं होती कि करना क्या है, उनका क्या काम है, रिसर्च करते रहना। ठीक है, रिसर्च रिसर्च रिसर्च, लेकिन क्या करना है देखना वो नहीं, बस करते जाएंगे। तो क्या है नंबर सेवन? रिसर्च, एनालिसिस, गो डीप एंड डीप, गो डीप एंड डीप, मतलब किसी भी किसी बात की तह तक जाते हैं, किसी भी बात की तह तक जाते हैं। लेस सेटिस्फाइड, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, ज्यादातर आप देखें नंबर सेवन वाले लोग ही रिसर्च में ज्यादा मिलेंगे आपको। लेस सेटिस्फाइड, डीप इमोशंस, ओवर थिंकिंग, मोक्ष, मोक्ष की तरफ भी जाते हैं, हीलिंग, ये लोग हीलिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, हीलिंग, ठीक है, हीलिंग, अकल्ट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बॉडी ज्वाइंट्स, जो बॉडी ज्वाइंट्स होते हैं वो भी केतु ही होता है। लेग्स, अपना दिमाग नहीं, जिसके पास बैठ जाए उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, जिसके साथ बैठा बैठा होता है उसी की तरह बिहेव करता है। सेवन के डिटैचमेंट का नंबर है, डिटैचमेंट का नंबर है। सेवन को समझना इट्स नॉट इजी, सेवन नंबर के लोग को आप समझ नहीं सकते क्या ही चल रहा होता है उनके। सेवन को समझना इट्स नॉट इजी, ठीक है। इसकी शेप को देखते हैं, इसकी शेप कैसी है, सेवन की शेप, हाँ इसकी शेप देखते हैं। तो सेवन की शेप क्या है, मुंह खुला हुआ है ना,
तभी ये लोग रिसर्च में जाते हैं। मतलब इसकी शेप देखी आपने, देखो ऐसा लग रहा ओपन माउथ हो, इसलिए इसको लगता है कि क्या मैं सीखूं, करता ही चला जाऊं रिसर्च। इसीलिए कहते हैं ना कि 7 नंबर वाले रिसर्च में आते हैं, ठीक है। ओपन माउथ, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, ओपन माउथ, ओपन माउथ। एक्वायरिंग कैपेसिटी ज्यादा, इनकी जो क्या है, एक्वायरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक्वायरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तभी रिसर्च रिसर्च में जाते हैं। भूख मतलब नॉलेज की भूख, जितनी भी नॉलेज ले लें वो कम होता है। तो ये जो था हमारा 7 नंबर है। अभी क्या है, अब 7 नंबर के बाद हम नंबर स्टार्ट करेंगे 8। 8 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक और बात बताना चाहूंगी, 7 नंबर क्या है कि जैसे बोलते ना, इसका खुद का दिमाग नहीं होता, तो ये जिस भी नंबर के साथ आ जाएगा ना उसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 नंबर के साथ आ गया तो गुरु की तरह बिहेव करने लग जाएगा, अगर 4 नंबर के साथ आ गया तो राहु की तरह बिहेव करने लगेगा, 2 के साथ आ जाएगा तो मून की तरह बिहेव करने लगेगा। बस वही चीज है। अभी क्या है, जो भी इसमें बता रही हूँ आपको समझ आ रहा है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। टिल देन, बाय बाय।